दिल्ली में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर वापस बिलासपुर लौटे। नैना देवी से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर केंद्र द्वारा लागू कृषि विधेयकों सहित हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर सवाल उठाए। रामलाल ठाकुर ने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक कीमत का नारा देते हुए किसानों के हितों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री इससे अलग हटकर बयान देते नजर आ रहे हैं। जो बिल पास हो गए उसके पीछे क्या नीयत है मुझे बताओ। बड़े बड़े सरमाएदारों से मिलके जो किसान है उसका गला घोंटने की बात है, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात है, ये तो सामने आ गया देखने में। जो इन्होंने आनन फानन में अनाउंस किया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 10 सालों में सबसे कम है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी। लेकिन साथ में क्या हो रहा, साथ में यूपी के मुख्यमंत्री जो है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो है ना खट्टर साहब हरियाणा के, वो कुछ वो बोल रहे हैं कुछ और वो बोल रहे हैं। खट्टर तो ये कह रहा कि राजस्थान और पंजाब का अगर मान लो कोई मक्की या दूसरी फसलें वहाँ की मार्केट में जाएगी तो उसको हम नहीं खरीदेंगे। फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक राष्ट्र और एक कीमत, ये इस सिद्धांत का क्या हो गया, ये कैसे होगा जब आप एक तरफ बोल